हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मयंक, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर. स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिसके बाद जेई में एक पर्टिकुलर पैटर्न के सवाल आते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उनकी स्टेबिलिटी. इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जब कभी भी आपको एक सवाल आएगा जिसमें आपको पूछा जाए कि गिवन स्ट्रक्चर्स जो कि RS हैं एक दूसरे के, उनमें स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करना है, तो आप बिना सोचे विद इन 5 सेकेंड्स अपना आंसर ईजीली सही बता सकते हैं. इसका मतलब आपको मेरे को 10 मिनट देने होंगे, पूरा फोकस करें मेरे साथ. जो टॉपिक हमारा आज लेने वाले हैं, हाउ टू कंपेयर टू एंड मोर देन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, इसमें हम बात करते हैं. तो एग्जांपल से मैं शुरुआत करना चाहूँगा. ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा है, इस एग्जांपल में देखिए कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. हम इसको कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है पाई बॉन्ड की तरफ, जहाँ से गया वहाँ प्लस और जहाँ आ गया वहाँ माइनस. पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो फर्स्ट और सेकंड में पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4. दोनों कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड में चार्ज बैलेंस है. फर्स्ट अगर न्यूट्रल है तो सेकंड भी न्यूट्रल है. डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के RS हैं, विच इज़ मोर स्टेबल. क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज़ मोर स्टेबल, और आंसर है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड. लेकिन क्वेश्चन आपको रेज होता है, आया कैसे, वो क्या तरीका होगा ताकि आप बोल सकते हो फर्स्ट ज़्यादा होगा सेकंड से. तो मैंने कुछ लॉजिकल ट्रिक्स आपके लिए डिज़ाइन करी है, वो सिक्वेंशियल है, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसको पहले अप्लाई करना है किसको बाद में. आप किसी भी RS की स्टेबिलिटी को ईजिली निकाल सकते हो. तो हम उस ट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं. ट्रिक्स में हमने रूल नंबर 1 जो डिफाइन किया है वो ये है कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. सिंपली जहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपको ज्यादा दिखें RS में, वो आपका आंसर होगा फर्स्ट, मतलब वो आपकी स्टेबिलिटी में आगे रहेगा. अगर कभी कभी फर्स्ट से आपका काम नहीं चलता है तो आप ऑक्टेट रूल, मतलब कि सेकंड रूल की तरफ मूव करेंगे. ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिन स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट है उनका RS में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है. या अगर ऐसे बोलूं कि किसी मॉलिक्यूल किसी RS में, अगर आपको बोला जाए कि नाइट्रोजन या कार्बन या किसी भी एक्स एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वही नाइट्रोजन या कार्बन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था किसी दूसरे RS में, उससे वो ज़्यादा स्टेबल होगा. यहाँ पर एक नोट अलग से पुट किया है. नोट कहता है कि फर्स्ट और सेकंड रूल इंटरचेंज फॉर इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन एफ प्लस ओ प्लस एन प्लस, मीन्स फॉर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्टेट रूल इज मोर इम्पॉर्टेंट. सेकेंड रूल के इस नोट पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले हम आगे बढ़ के रूल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं. रूल नंबर 3 बोलता है न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज. अगर हमारा आंसर फर्स्ट और सेकेंड रूल से नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में न्यूट्रल को फॉलो करेंगे, मतलब न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल है और चार्ज वाला कम है. रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं. रूल 4 आता है निगेटिव और निगेटिव एंड पॉजिटिव और पॉजिटिव. मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया नाइट्रोजन और कार्बन एटम को, तो नाइट्रोजन का EN होता है 3.0 और कार्बन का होता है 2.5. अगर नेगेटिव चार्ज आपको रखना है तो मैं बोलूँगा कि आप नाइट्रोजन पर रखिए इन कंपेयर टू कार्बन, क्योंकि EN वैल्यू नाइट्रोजन की ज़्यादा है. कभी आपको चार्ज मिलता है प्लस, तो वो RS जिस पर कार्बन पर प्लस आ रहा है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन, कार्बन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है स्टेबिलिटी में. क्यों, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन. सिंपल सा फंडा क्या है कि जिसका EN ज़्यादा उस पर नेगेटिव स्टेबल, जिसका EN कम उस पर पॉजिटिव स्टेबल. फोर्थ रूल भी कभी फेल हो जाए तो क्या करना है, आप आइए रूल नंबर 5 पे. इसको बोलते हैं डिस्टेंस रूल, मेरा फेवरेट है. प्लस प्लस या माइनस माइनस, जितना दूर हो सकते हैं एज फार एज पॉसिबल, एंड माइनस एंड प्लस एज क्लोज एज पॉसिबल. इसका मतलब ये है कि माइनस माइनस या प्लस प्लस, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इनको जितना आप दूर रख सकते रखिए स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. RS में अगर आप जाते हैं तो प्लस माइनस जितना पास पास है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा. अगर रूल ऑफ 5 भी आपके लिए काम का नहीं है तो लास्ट रूल आता है इंडक्टिव. इंडक्टिव के बेसिस पर आप प्लस और माइनस को, हमको पता है कि सारे प्लस चार्ज को सारे प्लस आई स्टेबल करते हैं, सारे नेगेटिव चार्ज को सारे माइनस आई स्टेबल करते हैं. अच्छा, तो अब इसके बेसिस पर हम दोबारा उसी एग्जांपल पे आ रहा हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी. एग्जांपल आपका आपके सामने है, फर्स्ट और सेकंड. रूल नंबर 1 अगर लगाएं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि पाई बॉन्ड ज़्यादा किस में है. तो आप देखो, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा
कि फर्स्ट में पाई बॉन्ड दो हैं और सेकंड में एक है, तो आपका आंसर क्या आता है इसके बेसिस पर, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, जो कि हमने लिखा था। मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप रूल नंबर फर्स्ट को लगाएं तो रूल नंबर सेकंड को साथ में जरूर लगा के देखें। तो सेकंड बोलता है ऑक्टेट कंप्लीट स्पीशीज और टेंडिंग टू कंप्लीट, मतलब जिनका ऑक्टेट या तो कंप्लीट है या कंप्लीट होने जा रहा है वो स्टेबल होंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कंपेरिजन में। तो फर्स्ट वाले में आप चेक करें कि पूरे कार्बन अपने कंप्लीट ऑक्टेट के साथ है, लेकिन सेकंड वाले में नीचे वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, sp2 हाइब्रिडाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है सेकंड से। कंक्लूजन फिर से आपके सामने, फर्स्ट टू रूल सपोर्टिंग ऑप्शन नंबर वन, सो कंक्लूजन फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। ये हमारा पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ। इसमें हमने किसको फॉलो किया है, पाई रूल को और ऑक्टेट रूल को, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे तो हमें एग्जाम्पल टू मिलता है। एग्जाम्पल टू में आप देखिए, मैंने आपको निगेटिव चार्ज एक बार नाइट्रोजन पर दिया है, एक बार निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर दिया है। माइनस चार्ज की टेंडेंसी आरएस में होती है मूव करने की पाई बॉन्ड की तरफ, माइनस जा रहा है पाई की तरफ। फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के डेफिनेटली आरएस हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, रूल नंबर वन की बात करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है उसमें क्या होगा, उसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आने वाली है। इसके बेसिस पे हमारा आंसर आता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में पाई बॉन्ड क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है कि सेकंड। तो जब हमको फर्स्ट रूल से आंसर नहीं मिलता तो हम कहाँ मूव करते हैं, सेकंड रूल की तरफ, रूल नंबर टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, आपके सामने लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हैव कंप्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज और लोन पर और दो सिग्मा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है तो दो लोन पेयर है और साथ में एक सिग्मा बॉन्ड है। निगेटिव चार्ज के लिए दो, लोन पेयर अगर दो है तो चार इलेक्ट्रॉन, दो और चार छः, और एक सिग्मा बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, टोटल आठ। मतलब ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट रूल से भी आपका कंक्लूजन क्या आता है, नथिंग। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको मूव करना होगा रूल नंबर थ्री की तरफ। रूल नंबर थ्री क्या बोलता है कि न्यूट्रल और चार्ज, अगर न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी इन कंपेयर टू चार्ज वन, ठीक है। लेकिन सर फर्स्ट सेकंड में तो चार्ज है, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे फर्स्ट सेकंड दोनों पे चार्ज है इसलिए दोनों से कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो हमारे पास रूल नंबर फोर आ जाता है। अब हम फोर की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर फोर क्या बोलता है, निगेटिव और निगेटिव एंड पॉजिटिव और पॉजिटिव। मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन और कार्बन का, तो मैंने बोला नाइट्रोजन का ईएन कितना था 3.0 और कार्बन का कितना था 2.5। फर्स्ट और सेकंड की बात करूं मैं तो नाइट्रोजन का ईएन होता है 3.0, लेकिन यहां ऑक्सीजन का ईएन नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है 3.5। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप कंपेयर करोगे तो निगेटिव चार्ज आपको समझ में आएगा नाइट्रोजन के कंपेरिजन में, अगर ऑक्सीजन पर चला जाता है रेजोनेंस करके तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब इस बेसिस पर आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू ओ माइनस इज मोर स्टेबल देन एन माइनस। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, और यही आंसर करेक्ट है। अच्छा, अभी तो हमने रूल नंबर वन अप्लाई किया है, टू अप्लाई किया है, थ्री अप्लाई किया है, फोर अप्लाई कर लिया है, फाइव अप्लाई नहीं किया है। चलो हम आ जाते हैं उसके ऊपर। एग्जाम्पल थ्री की बात करते हैं। एग्जाम्पल थ्री में आपको वन टू और थ्री आरएस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा सब में कितने आ रहे हैं, आठ आ रहे हैं, सब में चार्ज बैलेंस है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डेफिनेटली एक दूसरे के आरएस हैं। अगर आरएस है तो स्टेबिलिटी की अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे वापस से, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अच्छा, पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी से वही सिंपल सा रिलेशन, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी स्टेबिलिटी। तो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, फर्स्ट में तीन दिख रहे हैं मुझे, सेकंड में वन टू थ्री, थर्ड में वन टू वन थ्री। तो हम बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड के बेसिस पर तो तीनों का क्या है, सेम स्टेबिलिटी आ रहा है, आर एस हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो कंक्लूजन क्या होगा, नथिंग। जब रूल नंबर वन से काम नहीं चलता है तो कहाँ आते हैं, टू पर आते हैं। टू क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज़्यादा स्टेबल इन कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट की हम बात करें तो फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट में किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्योंकि एक सिग्मा कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर। सेकंड और थर्ड में नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज आ भी गया
तो आप देख पा रहे हैं कि इसके बॉन्ड अभी भी चार हैं, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, ऑल थ्री आर एस एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट, तो हमारा आंसर नहीं आने वाला, क्या होगा, नो कंक्लूजन। हम बात करते हैं रूल नंबर थ्री की। थ्री क्या बोलता है कि न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू चार्ज। तो रूल नंबर थ्री के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, मतलब हम ये तो समझ गए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि सेकंड थर्ड में चार्ज है, फर्स्ट में चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रूल ऑफ फोर पे आ जाते हैं। फोर क्या बोलता है, निगेटिव ओवर निगेटिव एंड पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव। ऐसे बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज ज़्यादा ईएन वाले एटम पर और पॉजिटिव चार्ज कम ईएन वाले पर। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है और कार्बन पर निगेटिव है, लेकिन फॉर्चुनेटली सेकेंड और थर्ड में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्लस चार्ज दोनों बार सेम एटम पर आ रहा है और माइनस चार्ज दोनों बार सेम एटम पर आ रहा है। इसका मतलब आप इस रूल के बेसिस पर कंपेयर नहीं कर सकते। बोथ सेकेंड एंड थर्ड हैव पॉजिटिव एट नाइट्रोजन एटम एंड निगेटिव एट कार्बन एटम। तो अब आंसर आप जो आता है वो क्या आता है, नो कंक्लूजन। हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रूल लगा चुके हैं। थर्ड रूल पे हमारे, हमने फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फर्स्ट सेकंड से हमारा कंक्लूजन नहीं था, फोर्थ से नहीं था। रूल ऑफ फाइव की, फाइव को हम बोलते हैं डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल क्या कहता है कि अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज जितना एक दूसरे से ज़्यादा सेपरेट होंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर प्लस माइनस जितना ज़्यादा पास आएंगे क्लोज आएंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सेकेंड और थर्ड में हम ऑब्जर्व करें तो हमको चार्ज दिख रहा है प्लस और माइनस, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि प्लस और माइनस जितना पास उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा। सेकंड और थर्ड में आप देखोगे तो सेकंड में प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस है तीन एटम्स का, लेकिन थर्ड में ये डिस्टेंस वन टू थ्री फोर फाइव, पांच एटम्स पे आ गया है। तो प्लस माइनस सेकंड में ज़्यादा क्लोज है इन कंपेयर टू थर्ड, इसलिए जो हमारा कंक्लूजन है वो बोलता है कि इन स्ट्रक्चर सेकंड प्लस माइनस इज क्लोजर इन कंपेयर टू थर्ड, दैट्स वाई सेकंड मोर स्टेबल देन थर्ड वन। ओके, तो अब एग्जाम्पल थ्री का जो कंक्लूजन फाइनली निकाला है वो निकाला गया है कि भाई फर्स्ट एग्जाम्पल को एलिमिनेट किया आपने ऑक्टेट रूल के बेसिस पर, सेकंड और थर्ड में आपने रूल नंबर फाइव लगाया डिस्टेंस रूल, उसके हिसाब से सेकंड में डिस्टेंस कम था प्लस माइनस के बीच में तो वो ज़्यादा स्टेबल रहा इन कंपेयर टू थर्ड।